हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरतासुर और आप देख रहे हैं सरतासुर की क्लास। वेल, आज इस वीडियो में मैं आपको जियो एसओएल के ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत कम बच्चों को पता है कि एसओएल का अपना खुद का ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं घर बैठे एसओएल से जुड़े ढेरों काम। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल जाए। मैं लास्ट में वापस आऊंगा और आपको इस ऐप के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा। चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं अपना एक नया फोन सैमसंग गैलेक्सी J8 जो चल रहा है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी पर और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितना अच्छा फोन होगा उसकी एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट होगा और रैम ज्यादा होगी, ऐप जो है उतने स्मूथली काम करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एसओएल का ऐप इसमें कैसे काम करता है, स्मूथ है या नहीं। तो फिलहाल प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां गूगल पर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर प्ले स्टोर पर तो मैंने एसओएल ऐप सर्च कर लिया। अब देखो यहां पर बहुत सारे ऐप आ गए, तो यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग मामला हो गया, कौन सा है कौन सा। ये सेकंड वाला तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ऊपर है एसओएल ऐप मोबाइल सेवा द्वारा बनाया गया, तो ये ही ओरिजिनल एसओएल ऐप है। इसका लिंक जो है एसओएल की वेबसाइट पर भी दे रखा है और मैंने वहां से लेकर अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है वीडियो के, तो वहां क्लिक करते ही आप डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर में आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसकी रेटिंग बता देता हूं, तो रेटिंग है इसकी 3.6 जो कि एक अच्छी रेटिंग नहीं मानी जाती है। जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन के अलावा वो जो ऑरेंज लाइन है वो थोड़ी ज्यादा लंबी है वो भी, तो इसका मतलब इसको नेगेटिव रिव्यू भी अच्छे खासे मिल गए हैं। फिलहाल 100K लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है, और यार कमेंट तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नीचे नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रेटिंग बाद में दूंगा, तो अभी फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं अपने फोन के अंदर। तो मैंने इंस्टॉलेशन शुरू इसका हो गया, पहले डाउनलोड होगा ये। तो भाई डाउनलोड हो गया है हमारा एप्लीकेशन एसओएल का, और 23MB इसमें खर्च हुए। 23MB देखते हुए तो लगता है इसमें कंटेंट जो होगा अच्छा खासा होगा, क्योंकि 23MB का कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो यार बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं उसमें। तो फिलहाल मैं इसे खोलता हूं, और ये रहा ऊपर सबसे मुझे मिल गया एसओएल का मेरा ऐप। चलो इसे खोलते हैं, और ये इसका इंटरफेस भाई वाह, ग्रीन मतलब ब्लू कलर का ये पूरा नेवी ब्लू, और ये लोगो मुझे लगता है 23MB इसी में खर्च कर दिए क्या। तो सबसे पहले देखो इंटरफेस में हमें दिखता है ये फोटो, और ये फोटो तो सभी पहचानते होंगे, आप लोग यहाँ जरूर गए होंगे अपनी बुक्स वगैरह लेने। फिलहाल साइड में क्लिक करते हैं तो वो हाथ आ गया, ये तो ये एसओएल का वो था सेंटर था ना, मतलब हेड ऑफिस जहाँ आप जाते हैं एडमिशन करवाने नॉर्थ कैंपस। तो ये हमारे साइड में कुछ ऑप्शंस खुल गए काम के हैं सारे। फिलहाल देखिए आई कार्ड, प्रोविजनल, हॉल टिकट, मार्कशीट, फी रिसिप्ट, एड्रेस, फीडबैक, लॉगआउट। तो लॉगआउट तो अभी नहीं होगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये मैं चाबी पर क्लिक करता हूं, और ये एक एसओएल रोल नंबर मांग रहा है, तो मुझे यहां पर जरूरत है एक एसओएल रोल नंबर की। तो मैंने यहां पर एक एसओएल रोल नंबर एक बच्चे का जिसे मैंने लेकर डाल दिया, और ये मुझे ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर डालना होगा, और ये मैंने ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर डाल दिया, सबमिट कर दिया। अब ये मुझसे कह रहा है कि इस नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है भैया ओके कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ ओटीपी के लिए, तो कुछ ही देर में मेरा ओटीपी आ जाएगा, जो कि आ गया। अब ये एक एसएमएस भी आएगा ऊपर जो कि आप देख रहे होंगे, तो ये एसओएल की तरफ से एसएमएस भी आ गया, वो सिम इसी के अंदर पड़ा हुआ था। ये ऑटो एंटर हो गया क्योंकि ये फोन का फीचर है, हो सकता है आप वाले में ना हो तो आपको टाइप करना पड़ सकता है। फिलहाल मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है भाई योर डिवाइस हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है मान गए, कह रहा है अब देखते हैं ये फीचर हमारे वर्किंग हो गए। तो अरसी नाम है बच्चे का जो भी जिनका था ये, अब ये प्रोग्राम जिनका आज कोर्स चल रहा है, ये स्टूडेंट हैं और मेरे और एसओएल में तो पढ़ते ही हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर अब इनका आई कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, हॉल टिकट, मार्कशीट, फी रिसिप्ट देखते हैं, तो वो सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फी रिसिप्ट निकाल कर देखें, तो डाउनलोड फी रिसिप्ट का ऑप्शन आ गया। ये फिर से कह रहा है कि एक ओटीपी भेजेंगे, ठीक है भाई तू ओटीपी भेज दे। और अब ओटीपी के लिए मैं फिर से वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा ओटीपी आ गया, और मैं जैसे ही इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर ये नाम दिखा देता है कैंडिडेट का कि ये नाम है, और डियर स्टूडेंट फॉर डाउनलोड फी रिसिप्ट फैकल्टी इज टेम्पररी क्लोज। अरे यार ये तो धोखा दे दिया, तो ये कह रहे हैं भाई अभी तो डाउनलोड नहीं होगी, क्लोज कर दिया हमने। चलो ठीक है आई कार्ड डाउनलोड करके देखते हैं। क्लिक करा आई कार्ड पे, आई कार्ड पे क्लिक करते कह रहा ओटीपी भेजेंगे, अभी कितनी बार भेजोगे भाई ओटीपी, ठीक है ओके कर दिया, भेजो ओटीपी, सबमिट कर दें, सबमिट नहीं किया अभी, आने दो अभी आएगा 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 आएगा, अभी तक ओटीपी नहीं आया। चलो ठीक है कैंसिल करते हैं, कुछ और देखते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कह रहा है, प्रोविजनल पे क्लिक करते हैं, और कह रहा है ओटीपी भेजेंगे हम, ठीक है ओटीपी भेजो,
ओटीपी आ गया। अब मुझे नहीं पता ये पिछले वाले का आया इसका, फिलहाल सबमिट जैसे ही मैंने करा, ओह ठीक है सिखाया, तो पिछले वाले का लापता। अब अर्शी नाम आ गया और मैंने क्लिक करा, क्लिक करते ही ये मुझे फिर से दिखा नहीं दिखा रहा ठेंगा। तो यार बहुत बढ़िया डाउनलोड हो गया ये, और यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मिल गई और मैं इसे यहाँ नीचे सेव वाला बटन दबाकर अपने फोन में सेव कर सकता हूँ। चलिए बैक चलते हैं। अब एड्रेस अपडेट देखिए, सबसे अच्छी खासियत मुझे इसकी ऐप की ये लगी कि ठीक है ये डाउनलोड तो हो ही जाएगा, आप वो मार्कशीट वगैरह भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो एड्रेस अपडेट करके देखते हैं, मैं एड्रेस पे क्लिक कर देता हूं और ये ऑटोमेटिकली लैंडस्केप में हो जाएगा। अब एड्रेस पे क्लिक किया तो ये लैंडस्केप में हो गया, ये कैंडिडेट का हमें नाम दिखा रहा है और मैंने कैंडिडेट के नाम पर क्लिक करा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एड्रेस चेंज में, सबसे पहले ओल्ड एड्रेस दिखा रहा है, इनका जो एड्रेस है ये है और अब मैं इस एड्रेस को चेंज कर देता हूँ। हालांकि मैं रियल में चेंज करने जा रहा हूँ, इस बच्चे का मैंने जानबूझ कर लिया था ये वाला कार्ड, क्योंकि जो है मुझे एड्रेस चेंज करना था। तो फिलहाल मैं जो एड्रेस डाल रहा हूँ वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, और एड्रेस डालते ही यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद जो भी ये पिन कोड यहाँ पर 53 नहीं था, ये पिन कोड था 94, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही और मैं जैसे ही ये सेव वाला बटन आप देख रहे हैं तो 48 आवर्स के अंदर सेव हो जाएगा। फिलहाल मैंने बैक करके हम वापस वहीं पर आ गए जहां पर थे, और कुछ काम का इसमें ज्यादा लग नहीं रहा अभी। जैसे मैं क्या करूं यार, फीडबैक देते हैं तो फीडबैक देने के लिए मैंने क्लिक किया, अच्छा फीडबैक पे भी वैसा ही वाला खुल गया, और ये फोटो वाला सेक्शन है, तो फोटो कभी कभी आ जाता है। इसके अलावा आपको हाँ एग्जाम रोल नंबर चाहिए, आप अपना एग्जाम रोल नंबर भूल गए हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा क्लिक करके। मैं फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, बार कोड पर क्लिक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, और इस पर भी नहीं हो रहा है। अब तो ये कुछ भी नहीं, नीचे कह रहा है ये कि इस वर्जन पे जो भी है विंडो वगैरह पे ये कुछ काम नहीं कर रहा है फॉर्मेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना, मेरा फोन देखो 4GB रैम पे काम कर रहा है और सैमसंग का फोन है, तब भी यार देखो ऐसे एरर दिखा रहा है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिया, हॉल टिकट पे भी कर दिया, आई कार्ड पे भी कर दिया, एड्रेस पे भी, अब तो एड्रेस भी नहीं खुल रहा। चलो एड्रेस तो खुला, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं बैक कर देता हूँ। तो यार ये ऐप था, अब मैं इसको अभी लॉग आउट कर रहा हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने लॉग आउट करा, लॉग आउट हैज बीन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर कुछ खास बात मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये प्ले स्टोर है और सॉरी क्रोम खुला हुआ है, और क्रोम पे यहाँ पर कोने पे ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर आप वही सारी चीजें कर सकते हैं जो वो 23MB के ऐप पर करी। तो 23MB क्यों डाउनलोड करूं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा फिलहाल, जब वो चीज यहाँ पर दिख रही है फिलहाल। हाँ देखो एक चीज और देख लो, ये रहा वो मोबाइल ऐप का लिंक, यहाँ पर क्लिक करते ही आप वापस, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मैं प्ले स्टोर पर पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने तो यूज कर लिया इस ऐप को, अब मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू दे देता हूं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीजें बता देता हूं। देखिए इस ऐप को यूज करने के बाद मुझे लगा काफी यूजर फ्रेंडली है, जो लोग वेबसाइट सर्फ नहीं कर पाते हैं, उन्हें लिंक नहीं मिलते हैं, ढूंढते फिरते हैं, तो इसमें काफी चीजें जो मेन चीजें जरूरी है वो इसमें मिल जाती है, और प्लस ये कम डेटा पे काम करता है, यानी आपका अगर इंटरनेट स्लो है तो भाई आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इवन किसी की कोई चीज आई कार्ड या फिर फीस स्लिप या कुछ चीज खो जाती है तो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप ही के मोबाइल में रहेगा, प्लस और बहुत ज्यादा है क्योंकि ओटीपी के थ्रू काम करता है। अब मैं दूसरी इसकी नेगेटिव चीज बता देता हूं। तो नेगेटिव चीज देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कुछ स्पेशल नहीं है, जो चीज वेबसाइट पर मौजूद है वही इस पर मौजूद है। कौन अपने आजकल के दौर में 4GB रैम का मोबाइल मिलता है यार, महंगे से महंगा भी 4GB से ज्यादा कहां रहा है, अब 6GB किसके पास होगा। तो 4GB रैम पर भी मैं ये ऐप अगर ये वाला एप्लीकेशन अगर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करूं तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा तो यही चीजें वेबसाइट पर भी मौजूद है, मैं वेबसाइट से ही यूज कर लूंगा, क्योंकि कौन बार बार अपने आई कार्ड और फीस स्लिप डाउनलोड करता है, एक ही बार तो करता है। दूसरी सबसे 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 बेकार जो मुझे इसमें चीज लगी वो था इसका वन टाइम पासवर्ड बार बार मांगना। यार इतना भी क्या सिक्योर चीज है इसके अंदर जो इतनी बार तुम वन टाइम पासवर्ड मांग रहे हो, ठीक है लॉग इन के टाइम तुमने मांग लिया, कोई की सेट करवा लो, कोई चीज ऐसी सेट करवा लो जिसको डालकर हम लोग जो है इसको यूज कर सके, मतलब हर बात पे वन टाइम पासवर्ड। मुझे तो लगा मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा था तो उससे पहले भी मुझसे ये मांग लेता कि भाई एक बार वन टाइम पासवर्ड डाल दो, तो ये मुझे बुरा लगा। और दूसरा चलो वन टाइम पासवर्ड डालने के लिए कह भी देता तो कम से कम उसे टाइम पर तो भेज दिया करो, तो वो भी टाइम पर नहीं आता है। तो ठीक है आप इसे डाउनलोड करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो यही काम आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट के पे ये वाले काम के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, ये ऊपर कहाँ, हाँ ये रहा ऊपर जो है ऊपर फ्लैश हो रहा है, और इस फ्लैशिंग वाले को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कार्ड कहलाता है, क्लिक करते ही वो वाली वीडियो आ जाएगी जिस पर आप यही वाली सारी चीजें जो है यूज कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट एक प्यारा से कर देना यार प्लीज़।